पहला ही प्रश्न श्री राम जी पूछ रहे हैं भरत से। वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने राज्य के आचार्यों का, वैद्यों का, गुरुओं का, पुरोहितों का और अग्रजों का ऐसा ही सम्मान करते हो जैसा मैं करता था। पहला ही प्रश्न है, क्या तुम अपने राज्य के आचार्यों का, गुरुओं का, अग्रजों का, पुरोहितों का वैसा ही सम्मान करते हो जैसे मैं करता था। तो भरत कहते हैं, हां मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मेरे सभी अग्रजों का सम्मान करूं, मेरी कोशिश तो यही है मैं मेरे सभी गुरुओं का सम्मान करूं, मैं मेरी कोशिश ये करता हूं आचार्यों का सम्मान करूं, लेकिन पुरोहितों के बारे में थोड़ी मुझे मन में आशंका रहती है। राम पूछते क्यों, इसमें आशंका क्या है? तो वो कह रहे हैं कि पुरोहित तो कर्म कांडी कराते हैं ना। तो राम कहते हैं, तो तुमने क्या मान लिया वो गुरुओं के नीचे हैं क्या, आचार्यों से कम हैं क्या? तो कह रहे हैं कि मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि पुरोहितों को इतना ही सम्मान क्यों देना जितना आचार्यों को, जितना गुरुओं को, जितना उसको, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान तो घट घट में है, ईश्वर तो हर कण में व्याप्त है, पुरोहित हमको कर्म कांड की तरफ लेके जाते हैं, तरीके बताते हैं पूजा के, जबकि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, भावना से ईश्वर है, पुरोहिताई में क्या है? अब राम जी का उत्तर सुने। वो कहते हैं, देखो भरत, ये पुरोहित तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा समझो इस बात को, रीढ़ की हड्डी है, माने पूरी अर्थव्यवस्था इन पुरोहितों के दम से चलती है। भरत कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तब राम कह रहे हैं, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और इसी बात को राम जी के जाने के कुछ लाख साल के बाद चाणक्य बोलकर गए हैं, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। पहले मुझे ऐसा लगता था, जब तक मैंने कंभ रामायण नहीं पढ़ी और ये रघुवंशम नहीं पढ़ा, तो मैं मानता था कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम, इसके मूल प्रणेता चाणक्य हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री रहे इस देश में। लेकिन अब पता चला है कि चाणक्य से लाखों साल पहले रामचंद्र जी ये कह रहे हैं भरत को, धर्मस्य मूलम अर्थम। वो कहते हैं कि देखो, धर्म के मूल में अर्थ है। अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म मजबूत होगा, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पुरोहितों का सबसे बड़ा योगदान है। तो फिर भी भरत को समझ में नहीं आ रहा है। तो रामचंद्र जी और उदाहरण देके कहते हैं कि देखो, पुरोहित क्या करता है, पुरोहित पूजा करवाता है। तो पूजा करवाता है, तो पूजा करवाता है वो तो किसी कथा की, सत्यनारायण की या जो भी करवाता है, लेकिन एक लिस्ट बनवाता है कि 10 घड़े ले आना, एकदम कोरे होने चाहिए, 20 मीटर कपड़ा ले आना, एकदम नया होना चाहिए, इतनी चूड़ियां ले आना, बिना पहनी हुई होनी चाहिए, 10 किलो घी ले आना, ये सामग्री ले आना, ये लकड़ियां ले आना, ये बांस मंगा लेना, ये ऐसा कर लेना वैसा। मैंने एक बार वो लिस्ट देखी तो कम से कम 108 चीजें रहती हैं उसमें, सिंदूर ले आना, गुड़ ले आना, कलावा ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो राम समझा रहे हैं कि देखो, जो आदमी पूजा तो भगवान की कराएगा वो तो भावना से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर वो इतनी चीजें मंगाएगा, क्योंकि कारीगर जो इन चीजों को बना रहे हैं वो बिकना भी तो चाहिए। उस दिन मेरे समझ में आया श्री राम जी की परिभाषा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। अब समझ में आया, इनसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा। अब देखो, वो कह रहे हैं घड़े ले आना, कोरे लाना, तो कुम्हार का काम बढ़ा के नहीं, घड़े बिके उसके, फिर घड़े पे ढकने के लिए ढक्कन और ले आना, तो कुम्हार का काम और बढ़ा, बिक्री हुई। फिर कहते हैं सकोरे ले आना, कुल्लड़ ले आना, तो उसमें प्रसाद रखेंगे, तो ऐसे करेंगे तो मिट्टी में पवित्रता होती है। पवित्रता तो सभी चीजों में होती है, लेकिन मिट्टी के ये नए नए बर्तन अगर कोई पूजा में लाएगा, और ऐसी रोज सैकड़ों पूजाएं होती जाएंगी, तो कुम्हारों का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। तो कारीगरों को जिंदा रखना है, तो वो पुरोहित ही है। वो नए नए कपड़े मंगाते हैं तो जुलाहों का काम चलेगा, बुनकरों का काम चलेगा, धुनकरों का काम चलेगा। वो नए नए कुछ मान लीजिए बांस मंगवा लीजिए तो बांस के कारीगरों का काम चलेगा। यज्ञ कराना है तो घी डलवा रहे हैं तो घी बनाने वाले बाल गोपालों का काम चलेगा, ग्वालों का काम चलेगा, उनकी गाय की संख्या बढ़ेगी क्योंकि घी बिकेगा, और घी को जला के फूंक देना है ताकि नया घी हमेशा बनता रहेगा।
ये तो बहुत दूर की कोई बात है। तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं क्षमा करना भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरु के समकक्ष है। तो राम कहते हैं कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो या किसी का, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी, क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। हमारी आंखें खोलने वाला है ये कॉन्सेप्ट। आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, ढपोर शंखी हैं, ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं। ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला देते हैं। और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ ना करते हो। माने राइडर लगा दिया उन्होंने। एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेके पूजा कराते हैं, राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी का माल बिकवाएंगे फिर तो, इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल बिकवाने में मदद करते हो। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं, अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो। तो भरत कह रहे हैं कि हाँ मैं अभी लौटकर ऐसी ही व्यवस्था करूंगा कि वो बिना पैसे के पूजा कराए। तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो, अब वो पुरोहित के लिए कह रहे हैं, पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है अगर उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से च्युत हो जाएगा। अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए, पानी ना पिए, अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि ये छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके घर का। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की कही हुई बात का पालन करते हैं, जिसके घर पूजा करानी उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाके पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाली कि ये तो छुआछूत मचाते हैं, ये तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते। वो नीची ऊंची जाति का प्रश्न नहीं था, जिनके घर पूजा करानी है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहां पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है, ये श्री राम बोलकर गए तो उनका पालन करते।